वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर, हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो इस वीडियो में हम लगभग एक से लेकर 45 तक, ठीक है, 40 या 45 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट वन है, यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रोटीन सांद्र H2SNO3 के साथ गर्म करने पर पीला रंग देता है, यह है आपका कौन सा टेस्ट है, इनमें से बताना है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको भी आंसर करना है और देखना है कि आपने कुल कितने सही किए हैं, ठीक है। लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो साथ ही साथ आपको भी बताना है, ठीक है, आपको आंसर देना है। इनमें से चार दे रखे हैं, कौन सा है, ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है, या कह रहा है जैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, या आपका कॉपर टेस्ट होता है, या आपका एसिड बेस टेस्ट होता है, ठीक है। इनमें से एक सही है, जो क्या करता है, इनके साथ में जब आप प्रोटीन के साथ में HNO3 के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, पीला रंग देता है। तो इनमें से कौन सा एक कोई एक टेस्ट है, परीक्षण है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका जैंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या हो जाएगा आपका, जैंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका बी आंसर, ठीक है, जैंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट क्या होता है आपका, जो आपका प्रोटीन्स है, ठीक है, इनका कलर बताता है, ठीक है, क्या बताता है, कलर बताता है, ठीक है, कलर फाइंड करने के लिए टेस्ट किया जाता है। प्रोटीन को H2SNO3 के साथ में गर्म करते हैं तो पीला रंग देते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका कौन सा कहलाता है, जैंथोप्रोटिक टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। सेकेंड कह रहा है होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड या आपके मोनोपॉलीसेकेराइड क्या कहलाते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। तो क्या होगा आपका सेकंड वाला, होमोपॉलीसेकेराइड, कौन से, होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो क्या आपका ग्लूकोज होमोपॉलीसेकेराइड है, जाइलोज होमोपॉलीसेकेराइड है, रेबुलोज और आपका सेलुलोज, इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपका कैसा होगा, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, कैसा होगा, होमोपॉलीसेकेराइड, वो आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर कीजिए आप, ए बी सी या डी, ठीक है। चलिए, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी कैसे होते हैं आपके, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, कैसे हैं आपके, होमोपॉलीसेकेराइड। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज क्या है आपका, होमोपॉलीसेकेराइड है एक, ठीक है। दूसरा थर्ड वाला कह रहा है, निम्न में से, ठीक है, कौन फेहलिंग, ठीक है, फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है या उसका रिडक्शन कर देता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ग्लूकोज है या सेलुलोज है या आपका बेंजल्डिहाइड है या आपका केन शुगर है, ठीक है, किसको, फेहलिंग विलयन को, ठीक है, जो कि आपका कॉपर सल्फेट और आपका NaOH का एक विलयन होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेहलिंग विलयन, इसको कौन सा इनमें से रिड्यूस कर देता है, वो आपने बताना है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक, आंसर आपका थर्ड वाले का, ठीक है, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज आपका क्या करता है, सेलुलोज फेलिंग विलयन को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा, ठीक है, या इसका फेलिंग विलयन का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, ठीक है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, वह अभिकर्मक, ठीक है, वह अभिकर्मक जो केन शुगर, किसको, केन शुगर तथा ग्लूकोज में अंतर करता है, ठीक है, जो केन शुगर या सुक्रोज और ग्लूकोज में अंतर करता है, ये कौन सा है आपको बताना है, ठीक है, ये कौन सा आपका रिजेंट होता है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर कीजिए, क्या ये मोलस रिजेंट होता है, क्या आपका एडिन सॉल्यूशन होता है, क्या आपका वेयर्स रिजेंट होता है, या आपका फेहलिंग विलयन होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक सही है, आपको आंसर करना है, ठीक है, आंसर कीजिए कि आप सही कर पा रहे हैं फोर्थ का आंसर, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि फेहलिंग विलयन, ठीक है, फेहलिंग विलयन आपका शुगर केन और आपका ग्लूकोज, इन दोनों में अंतर बताता है, ठीक है। फेहलिंग विलयन से आप दोनों को फाइंड कर सकते हैं, कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा आपका शुगर केन है, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है, किलियानी क्या है, किलियानी सिंथेसिस में परिवर्तन होता है, ठीक है, किलियानी सिंथेसिस में परिवर्तन होता है,
तो ये एक सिंथेसिस है, एक प्रोसेस है, इसमें कौन सा किस में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहला है एल्डोहेक्सेज इनटू एल्डोपेंटेन, यानी कि हेक्सोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेंटोन में कन्वर्ट हो रहा है, पेंटोज में। और एल्डोहेक्सोज इनटू एल्डोकीटोज, क्या आपका हेक्सोज कीटो में कीटोज में कन्वर्ट होगा, एल्डोपेंटोज इनटू एल्डोहेक्सोज, या पेंटोज आपका फिर हेक्सोज में कन्वर्ट होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक सही है, ठीक है, ए बी सी डी में से आपका ये भी हो सकता है और आपका ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर कीजिए कि क्लियानी सिंथेसिस में परिवर्तन होता है किस में, किस में से क्या बदलता है, हेक्सोज से पेंटोज बनता है या पेंटोज से हेक्सोज, या आपका हेक्सोज से क्यूटोज बनता है, इनमें से कोई एक ठीक है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इसमें क्या होता है पेंटोज से क्या बनता है भाई, हेक्सोज, ठीक है। पेंटोज से आपका क्या बन जाता है, हेक्सोज बनता है, ठीक है। कोई आपका 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है इससे बन जाता है, ठीक है। एल्डो पेंटोज से क्या बन जाएगा आपका, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। एक आपका इसमें कार्बन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है इन्वर्ट शुगर, ठीक है। इन्वर्ट शुगर जो है वो किसका मिश्रण है ये आपने बताना है, ठीक है। इन्वर्ट शुगर आपका किसका मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन्वर्ट शुगर मिश्रण है, ठीक है, किसका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का होता है, या अराबिनोज एंड जाइलोज का होता है, या ग्लूकोज एंड मैनोज का होता है, या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का होता है, ठीक है। तो इन्हीं से किसी एक का, ठीक है, किन्हीं दोनों चीजों का मिश्रण क्या कहलाता है आपका, इन्वर्ट शुगर कहलाता है। वही आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन से दोनों हैं जो आपके इन्वर्ट शुगर हैं, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर कीजिए 6 का, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है आपका, आंसर ए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है आपका, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। इन्वर्ट शुगर कहलाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, अमीनो एसिड रखते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या रखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है मोनोफंक्शनल ग्रुप रखते हैं, दूसरा कह रहा है वाई फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, और तीसरा कह रहा है ट्राई फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, और कह रहा है पॉली फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, ठीक है। क्या उनमें एक क्रियात्मक समूह होता है, या द्वि क्रियात्मक समूह होता है, या ट्राई तीन क्रियात्मक समूह होते हैं, या बहु क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक सही है वो आपको बताना है, ठीक है। जब आपने अमाइनो एसिड पढ़ा था लॉन्ग आंसर टाइप में, तब आपने देखा होगा कि उसमें कितने अमाइनो एसिड जो है, कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसमें होते हैं आपके 2, ठीक है, कितने होते हैं 2। तो आंसर बी हो जाएगा आपका, वाई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें होते हैं, किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा युग्म एक ही ओसाजोन बनाता है, कौन सा युग्म एक ही ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या पूछ रहा है, कह रहा ग्लूकोज व लैक्टोज, क्या ये दोनों क्या बनाते हैं, ओसाजोन बनाते हैं। दूसरा है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, क्या ये दोनों ओसाजोन बनाते हैं। थर्ड है फ्रक्टोज व माल्टोज, क्या ये ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रक्टोज व लैक्टोज, ठीक है, क्या है आपका, फ्रक्टोज व लैक्टोज, ठीक है। तो इनमें से बताना है कौन सा एक युग्म है, कौन सा एक पेयर है जो ओसाजोन बनाता है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करते हैं, ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, माल्टोज का जल अपघटन होने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है, जब माल्टोज का जल अपघटन किया जाता है तो क्या क्या मिलता है ये बताना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दे रखा है आपका, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, माल्टोज का जल अपघटन होने पर आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलता है, या फ्रक्टोज मिलता है, या ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों मिलता है, या आपका गैलेक्टोज मिलता है। तो इनमें से बताना है कि जब आप क्या करोगे, जल अपघटन करोगे किसका, माल्टोज का, तो आपने क्या क्या प्राप्त होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए, तो भाई माल्टोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। आंसर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या, ग्लूकोज, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, जो आपका ग्लूकोज का, किसका ग्लूकोज का विलयन है उसका ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, ध्रुवण घूर्णन में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? क्या एपिमरीकरण कहते हैं, या परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहते हैं, या आपका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो उस ध्रुवण घूर्णन में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, ग्लूकोज के ताजे विलयन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्या हो जाएगा? जो ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लैक्टोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? अब किसका जल अपघटन कराना है आपको? लैक्टोज का, और मिलेगा क्या ये देखना है, ठीक है। क्या गैलेक्टोज मिलता है, या ग्लूकोज मिलता है, या आपको ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज दोनों मिलते हैं, या आपको फ्रक्टोज मिलता है? तो इनमें से कोई एक सही है। जो कब मिलेगा? आप लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। तो आंसर कीजिए इनमें से, ए बी सी डी में से आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। किसका? क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, जब आप गैलेक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, ठीक है। क्या मिलता है? लैक्टोज के जल अपघटन से क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज, ठीक है। तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऐसा कारक है जिसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बताना है, क्या ये इन्वर्टेज होता है, क्या आपका जाइमेज होता है, या आपका डायस्टेज होता है, या आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोई एक इनमें से ऐसा है जो क्या करेगा? ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसका आपको बताना है कौन सा हो जाएगा आपका, ए बी सी डी, या इनमें से कोई नहीं, डी में, ठीक है। तो 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज। क्या होगा? बी वाला आंसर क्या है? जाइमेज, ठीक है। जाइमेज क्या करता है अभी? ग्लूकोज को, ठीक है, किसको? ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ लिख देंगे जाइमेज, ठीक है, जाइमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सुक्रोज सांद्र HCl से अभिक्रिया करके अंत में देता है। जब सुक्रोज HCl के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बनेगा? क्या ग्लूकोज बनता है, या फ्रक्टोज बनता है, क्या आपका न्यूक्लिक अम्ल बनता है, या आपका 5-हाइड्रोक्सीमेथिल परफ्यूरल बनता है, ठीक है, 5-हाइड्रोक्सीमेथिल परफ्यूरल। तो इनमें से बताना है कि कौन सा बनेगा कब? जब सुक्रोज को किसके साथ में किया जाएगा ट्रीट? HCl के साथ में, ठीक है। तो एंड एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से, ठीक है, 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। क्या मिलता है आपको? लेव्यूलिनिक एसिड, ठीक है, सॉरी एसिटिक अम्ल नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, लेव्यूलिनिक एसिड। क्या लिखा है आपका? लेव्यूलिनिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको कब मिलेगा? जब सुक्रोज को, किसको? सुक्रोज को HCl के साथ में अभिकृत कराया जाता है, ठीक है। तो अंत में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा? लेव्यूलिनिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? लेव्यूलिनिक अम्ल, और आंसर आपका सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में कह रहा है, निम्न में कौन अनापचयी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग, यानी कि जिसका रिडक्शन ना हो सके, ठीक है, कैसा है? जिसका अपचयन ना हो सके, ऐसा कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है ये बताना है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, और इन्वर्ट शुगर है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा है जिसका अपचयन ना हो सके, ठीक है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका अपचयन ना हो सके, ये अब आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज कैसा है आपका? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसका जो है रिडक्शन, या यह आप जो है रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका रिड्यूस, ये रिडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में कौन सा युग्म एपीमर है, ठीक है, एपीमर इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। सुक्रोज व फ्रक्टोज हो जाएगा, माल्टोज व सुक्रोज हो जाएगा, या आपका
ग्लूकोज व मैनोज हो जाएगा या आपका फ्रक्टोज व मैनोज हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक युग्म ऐसा है, पेयर ऐसा है जो कैसा है, एपीमर है। ठीक है, कैसा है आपका एपीमर है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो मैनोज क्या होता है, आपका एपीमर होता है, लेकिन किसके साथ में होगा, आपका ग्लूकोज के साथ में होगा या आपका फ्रक्टोज के साथ में होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक, और मैनोज। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज ये दोनों क्या है, आपके एपीमर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट सेकेंड। ये था फर्स्ट यूनिट का, जिसमें आपके कुल 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, यूनिट टू क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, निम्न में किसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। तो ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताना कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किन में होता है। ठीक है, कौन कौन सा है आपका, वीट दे रखा है, पल्सेस दे रखा है, मिल्क दे रखा है एंड एग दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रोटीन की सबसे मात्रा ज्यादा किसमें पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। ठीक है, किसमें, एग में। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज्यादा एग में। ठीक है, अगर अंडा ऑप्शन में दे रखा है तो की बात है। सेकंड, पेप्टाइड है, क्या है, पेप्टाइड एक तरह का बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, एक तरह का बॉन्ड होता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो पेप्टाइड क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, एस्टर है या आपका साल्ट है या अमाइड है या आपका कीटोन है। ठीक है, तो ये एस्टर, साल्ट और कीटोन नहीं होता, क्या होता है ये एक तरह का अमाइड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, अमाइड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, पेप्टाइड एक तरह का क्या है आपका, अमाइड है। ठीक है, क्या है, अमाइड। थर्ड कह रहा है, प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के पाए जाते हैं, क्या 10 तरह के पाए जाते हैं, क्या आपके 15 तरह के पाए जाते हैं या 20 तरह के या आपके 30 तरह के। ठीक है, तो इनमें से कितने प्रकार के पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, 10, 20, 30 या 15। ठीक है, तो प्रकृति में लगभग 20 तरह के जो है अमाइनो एसिड आपके पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, 20 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से 10 आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ग्लाइसिन का सूत्र है, किसका, ग्लाइसिन का सूत्र क्या है ये आपने बताना है। ठीक है, CH3CHNH2 का होल ट्वाइज और COOH, दूसरा है आपका NH2CH2COOH, थर्ड आपका है NH2CH2CH2COOH, NH2CH2 का होल 4 और COOH, इनमें से एक कोई आपका ग्लाइसिन है उसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन वाले का। ठीक है, चलिए तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, NH2CH2COOH क्या है आपका, ग्लाइसिन है। ठीक है, NH2 और आपका CH2 और आपका COOH क्या है, ये आपका ग्लाइसिन है। ठीक है, NH2CH2COOH, ठीक, ग्लाइसिन है। फिफ्थ कह रहा है, ज्यूटर आयन क्या है आपका, ज्यूटर आयन क्या है। ठीक है, क्या है, ज्यूटर आयन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ज्यूटर आयन जिसमें आपका एक ही एटम में, ठीक है, या एक ही मॉलिक्यूल में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों आयन्स आपको देखने को मिले उसे क्या कहते हैं हम, ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। तो NH2CH2COOH क्या इसमें ज्यूटर आयन है, NH3+CH2COO- क्या इसमें ज्यूटर आयन है, थर्ड आपका है NH2CH2COO- क्या इसमें ज्यूटर आयन है, थर्ड फोर्थ आपका है NH3+CH2COOH क्या इसमें ज्यूटर आयन, मतलब जहाँ एक ही मॉलिक्यूल में आपको क्या मिल जाए, प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि दोनों तरह के आपके चार्ज देखने को मिल जाए उसी को कहते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। ठीक है, NH3+ और दूसरा क्या है, COO-। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ज्यूटर आयन है। ठीक है, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, RNA है। ठीक है, क्या है, RNA, आपने पढ़ा होगा लॉन्ग आंसर टाइप में, RNA क्या है, क्या सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है ये या डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है ये या आपका ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो आपका आरएनए है वो जानते हैं कैसा होता है आपका, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड क्या होता है आपका, आरएनए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा कि जो आरएनए होता है वो कैसा होता है हमारा, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है। ठीक है, सेवंथ कह रहा है, एंजाइम क्या है। ठीक है, एंजाइम, ठीक है, जैसे प्रोटीन पढ़ते समय पढ़ा था। ठीक है, एंजाइम क्या, प्रोटीन एंजाइम है, क्या कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है या साल्ट एंजाइम है या फैटी एसिड एंजाइम है। ठीक है, तो इनमें से बताना कि आपका एंजाइम क्या होता है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा,
ए प्रोटीन आपके क्या होते हैं, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन, एंजाइम को प्रोटीन कहते हैं, लेकिन प्रोटीन को सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते, ठीक है। एंजाइम आपके प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते। प्रोटीन पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कह रहा है एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आपका कौन सा है ये आपको बताना है। लिपिड्स होते हैं एंटीबायोटिक्स, या फैटी एसिड होता है, या एंजाइम होता है, या आपका प्रोटीन होता है, तो इनमें से कोई एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। लिपिड, फैटी एसिड, एंजाइम और प्रोटीन, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। प्रोटीन्स आपके जो है किसकी तरह काम करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स आपके क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, क्या हैं, एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कह रहा है अमीनो अम्ल को एस्टीमेट कैसे करोगे, ठीक है, या अमीनो अम्ल को आप किस तरह से एस्टीमेट करोगे, ठीक है, किस तरह से हम उनको बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है बाई सोरेनसन फॉर्म टाइट्रेशन मेथड, दूसरा है बाई स्टिकर मेथड, तीसरा है बाई गार्बेल थैलेमाइड मेथड, एंड फोर्थ है आपका बाई कार्बल अमीन टेस्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक आपका टेस्ट है, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे अमीनो एसिड को, ठीक है, किसको, अमीनो अम्ल को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, या पहचानेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, 9 का आंसर कीजिए, ठीक है। कोई एक सही है 9 का, वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा, बाई सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड, क्या हो जाएगा, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड से क्या करेंगे हम, अमाइनो एसिड का, ठीक है, किसका, अमाइनो एसिड का एस्टीमेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, अमाइनो एसिड का एस्टीमेट करेंगे, ठीक है, या हम उनको एस्टीमेट करेंगे। तो इस तरह से आपका यूनिट 2 खत्म हो जाता है, जिसमें केवल आपके 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। यूनिट सेकंड में कितने थे, 9। कुछ यूनिट आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है, इसमें पहला ही पूछ रहा है कि डीएनए आपका क्या है, ठीक है। यूनिट थर्ड क्वेश्चन पहला कह रहा है डीएनए क्या है, ठीक है, डीएनए इज क्या होता है, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, या आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, या आपका बोथ ए एंड बी, तो इनमें से कोई एक है जो डीएनए को बताता है कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या है आपका, ये बताना है, ठीक है। तो आंसर कीजिए आप थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्या आपका डीएनए डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, या राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, या आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, या बोथ ए और सी, ठीक है, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो जो आपका डीएनए होता है वो पहले तो ये लिखा है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और जो आपके डीएनए आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, बोथ, क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है, ए वाला और सी वाला दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। आर एन ए है, ठीक है, आर एन ए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या प्रोटीन होता है, या आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, या आपका ऑल, ठीक है, सभी। तो इनमें से आर एन ए क्या है यह आपको बताना है, ठीक है, सभी होते हैं या अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए सेकंड वाला, तो आर एन ए आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है आर एन ए, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, आर एन ए, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या प्रोटामीन को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या हिस्टोन को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या न्यूक्लियो प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो बताता है कि न्यूक्लिक अम्ल है, कौन सा है वो आपको छांटना है। चलिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी डी, क्या हो जाएगा। चलिए, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का, किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग क्या होता है आपका, न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है आपका, न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग, जिसमें आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, इसका वह भाग जिसमें आपका प्रोटीन ना हो, क्या ना हो आपका, प्रोटीन
प्रोटीन नहीं हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, न्यूक्लिक अम्लों का घटक होता है, यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल है उनका घटक क्या है, फैक्टर क्या है, किस किस से वो बने हैं, क्या फास्फोरिक अम्ल होता है, या पेंटोज शर्कराएं होती हैं, या आपका विषम चक्रीय क्षारक होता है। तो बताना है कि जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो किस किस से मिलके बनता है, ठीक है, उसी को घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो क्या है इनमें से, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी वाला, जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते समय, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों को पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड का अगर हम बात करें एन एस की, ठीक है, किसकी, न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, क्या होता है आपका, नाइट्रोजनस बेस होता है, और आपका इसमें क्या लगा रहता है, शुगर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, शुगर, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें हम तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका न्यूक्लियोसाइड होगा एनएस प्लस, आपका क्या हो जाएगा, इसमें इसमें आपका फास्फेट ग्रुप लग जाता है, क्या लग जाता है, फास्फेट ग्रुप जो है आपका लग जाता है, ठीक है। तो एनटी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस आपका शुगर और फास्फेट, ठीक है। तो ये दोनों न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आपके, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इनमें सभी चीजें आपकी पाई जाती है, क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है आपका, और आपका शुगर पाया जाता है, और आपका क्या पाया जाता है, एक और रह गया फास्फेट ग्रुप, ठीक है, क्या हो गया, PHOS PHATE फास्फेट ग्रुप, ठीक। तो ये सभी हो जाएंगे, फास्फोरिक अम्ल भी हो जाएगा और विषम चक्रीय क्षारक, ठीक है, जिसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, और आपका पेंटोज शर्करा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सभी, ठीक। तो डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होते हैं भाई, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये आपको बताना है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड फास्फेट, या प्यूरीन, या आपके पिरिमिडीन, ठीक है। तो जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं ये आपने आंसर करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था कि जो आपका एंटी होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है आपका एनएस, जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, प्लस आपका क्या था, एक हमने PO4, ठीक है, फास्फेट लगा दिया था, फास्फेट ग्रुप, ठीक है, H3PO4, ठीक, फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड और आपका फास्फेट दोनों चीजें जब मिल जाती है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट दोनों जब जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी कि आरएनए में आपका क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है, बताना है, ठीक है, आरएनए में आपका क्या नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, या थाइमिन नहीं पाया जाता है, या एडिनिन नहीं पाया जाता है, या आपका ग्वानिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ग्वानिन, इनमें से कोई एक ऐसा जो आपका आरएनए में नहीं पाया जाता लेकिन आपका डीएनए में पाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर कीजिए, यूरेसिल, थाइमिन, एडिनिन और ग्वानिन, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर भाई, थायमिन नहीं पाया जाता है, तो बी आंसर क्या हो जाएगा, थायमिन, ठीक है। तो इसमें थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, आरएनए में, आरएनए में क्या आ जाता है आपका, यूरेसिल आ जाता है थायमिन की जगह, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है, अब डीएनए की बात कर रहा है, किसकी, डीएनए की बात कर रहा है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, या एडेनिन नहीं पाया जाता है, या ग्वानिन या थायमिन, ठीक है। तो जो आपका आरएनए में पाया जाएगा वो आपका डीएनए में जो है नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जा रहा है आरएनए में, ठीक है, लेकिन डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में क्या होगा, यूरेसिल जो है आपका नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्या नहीं पाया जाएगा, यूरेसिल, ठीक है, क्या, यूरेसिल आपका इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एट कह रहा है, पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये बताना है। न्यूक्लियोसाइड होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं या अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं आपस में एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते चले जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें होती हैं आपका, क्या होता है एक तो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होती है, शर्कराएं, और क्या होता है आपका फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जब ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ती चली जाती हैं एक लंबी श्रृंखला बना लेती हैं तो उसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, सी लिख दिया, क्या हो जाएगा आपका? बी, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला शर्करा है आर एन ए की बात कर रहा है। किसकी? आर एन ए में कौन सा किस प्रकार का शर्करा पाया जाता है? पेंटोज शर्करा पाया जाता है, या हेक्सोज पाया जाता है, या हेप्टोज पाया जाता है, या टेट्रोज पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा? पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, तो इनमें से कोई ऐसा शर्करा है जो आपका राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए में मतलब एक ही शर्करा पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भैया पेंटोज शर्करा पाया जाता है। कौन सा? पेंटोज शर्करा आपका आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइडों के किसके साइडों के जल अपघटन पर प्राप्त होता है। जब न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है? हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो क्या मिलता है? एडिनिन मिलता है, या यूरेसिल मिलता है, या साइटोसिन मिलता है, या आपका ये सभी कौन सा मिलता है? कब? जब न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए, जब आप न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करोगे तो आपको एडिनिन भी मिलेगा, यूरेसिल भी मिलेगा, साइटोसिन भी मिलेगा, और ये सभी मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ध्यान रखना है न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन पर करा प्राप्त क्षारक है कौन कौन सा? एडिनिन, यूरेसिल और आपका साइटोसिन। ठीक है, ये सभी क्या है आपके? क्षारक हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको मिल जाएंगे कब? जब आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे या जल अपघटन करोगे, किसका? न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 प्राकृतिक रबर का संगठन होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोजिशन क्या है उसका, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या C5H8 होता है, या आपका C5H8 का होल N होता है, या आपका फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या आपका पॉली यूरेथेन होता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा जो आपका प्राकृतिक रबर का संघनन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए आप क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होते हैं आपके C5H8 का होल N, C5 और H8 का क्या होगा? होल N। ठीक है, ये आपके एक लंबी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम प्राकृतिक रबर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबर। ठीक है, इन्हीं से मिलकर आपका प्राकृतिक रबर का फॉर्मेशन होता है। 12 कह रहा है अल्फा केराटिन की अल्फा हेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की थी? जो आपका अल्फा केराटिन होता है उसकी अल्फा हेलिक्स संरचना किसने बनाई थी या किसने दी थी, ये बताना है। ठीक है, क्या पॉलिंग ने दी थी, या आपका इनगोल्ड ने दी थी, या आपका पैंथर एडमान ने, पियर एडमान ने दी थी, या आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा है? ए बी सी में से आंसर करना है। इनमें से किसने आपका अल्फा क्रिएटिन अल्फा हेलिक्स की संरचना दी थी? ठीक है, तो ये थे आपके पॉलिंग। ठीक है, क्या थे आपके? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? अल्फा क्रिएटिन की अल्फा हेलिक्स संरचना दी थी। ठीक है, चलिए, यूनिट आपका 4th आ जाएगा। ठीक है, यूनिट 4th, जिसमें कह रहा है, क्या पूछ रहा है? नंबर 1 कह रहा है थायो ईथर का सूत्र है। ठीक है, ईथर आपका क्या होता है? आर ओ आर, लेकिन थायो की बात करें तो थायो को हम एस लिखते हैं। ठीक है, सल्फर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या आर एस आर हो जाएगा, या आर ओ आर हो जाएगा, या आर ओ एच हो जाएगा, या ऑल ऑफ दिस? ठीक है, इनमें से कोई एक सही है, क्योंकि प्रत्येक जगह पे क्या हो रहा है आपका? कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एच बड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, बाकी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बीच में एस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आर एस आर। ठीक है, थायो ईथर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? थायो ईथर, आर एस आर। ठीक है, ईथर आपका क्या होता है? आर ओ आर। ठीक है, बात कर रहा है थायो की, तो थायो को हम एस से लिखते हैं। दूसरा कह रहा है
सल्फाग्वानिडीन, ठीक है, क्या है आपका? सल्फाग्वानिडीन है, ठीक है। तो सल्फाग्वानिडीन हमने ड्रग्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ड्रग्स में। तो ये क्या है, कि सल्फा ड्रग्स है, या आपका कह रहा है एंटीबायोटिक है, या आपका बोथ, यानी कि सल्फा ड्रग और एंटीबायोटिक दोनों है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो कोई एक ऐसा है जो सल्फा ड्रग्स बताता है, ठीक है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। तो सल्फा क्या है ये आपका? सल्फा ग्वाडनिन एक प्रकार का आपका सल्फा ड्रग है। क्या है आपका? सल्फा ड्रग्स, ठीक है, जो कि आपकी एक तरह की दवाई है या ड्रग्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है फियोल, क्या है आपका? फियोल है, क्या है आपका? मरकेप्टन है, या आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है आपका, या आल है, या नन है, ठीक है। क्या मरकेप्टन है, या सल्फर कंपेनिंग सल्फर कंटेनिंग, यानी कि कोई ऐसा योगिक जिसमें आपका सल्फर हो, वो है, या आपका मरकेप्टन है, कौन सा आपका? फियोल, ठीक है। क्या है? फियोल कौन सा है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का, ठीक है। तो फियोल आपका वो यौगिक होते हैं जिनमें आपका सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ऐसा यौगिक जिनमें आपका सल्फर परमाणु पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है पेनिसिलिन, क्या पेनिसिलिन एक है, क्या है पेनिसिलिन? क्या विटामिन है पेनिसिलिन, या एनल्जेसिक्स है, या हार्मोन है, या एंटीबायोटिक है, ठीक है। एनल्जेसिक्स, ठीक है, दर्द निवारक जो भी आपकी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, या आपका ड्रग्स होते हैं, उन्हें एनल्जेसिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये दर्द निवारक है, या आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है, प्रतिजैविक है? तो इनमें से कोई एक है पेनिसिलिन, वो आपको बताना है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर का, क्या हो जाएगा, ठीक है, पेनिसिलिन क्या है आपका, ठीक है। तो पेनिसिलिन आपका एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, प्रतिजैविक होता है, ठीक है। क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। फिफ्थ की बात करें, कह रहा है क्लोरोमीन, ठीक है, क्लोरेमीन टी अम्लीकरण पर बनता है, क्लोरेमीन टी अम्लीकरण पर बनता है, क्या बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका क्या एक तरह का प्रोसेस है, तो इसमें बनता क्या है? क्या आपका हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, या आपका क्लोरामाइन बनता है, या आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है, या आपका NOT, ठीक है, नन ऑफ दीज बनता है। कोई एक आंसर आपका ठीक है, ठीक है, कब? क्लोरेमीन टी अम्लीकरण पर, ठीक है, इसका जब ये प्रोसेस होती, तो इनमें से कौन सा बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन की आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। कह रहा है हाइपोक्लोरस एसिड, क्या बनेगा आपका? हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा कब? जब क्लोरेमीन टी अम्लीकरण होगा, ठीक है। क्या होगा? क्लोरोमेन टी अम्लीकरण एक प्रोसेस है, इसमें क्या बनेगा आपका? हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, ठीक है। कह रहा है सल्फोनीकरण है, ठीक है, सल्फोनीकरण आपका क्या है? रिवर्सिबल क्रिया है, इरिवर्सिबल क्रिया है, एक्सोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक है, ठीक है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रिवर्सिबल, ठीक है, उत्क्रमणीय क्रिया है, या आपकी अनुत्क्रमणीय क्रिया है, या आपकी एक्सोथर्मिक, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी है, या आपकी ऊष्मा शोषी है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आंसर आपका ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सल्फोनीकरण वाले का, क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ठीक है। तो ये जो आपकी अपक्रिया होती है सल्फोनीकरण वाली, ये कैसी होती है? रिवर्सिबल, ठीक है, उत्क्रमणीय, कैसी होगी? उत्क्रमणीय होगी आपकी, ठीक है, सल्फोनीकरण, ठीक है। क्या है? सल्फोनीकरण। नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है, क्या है? इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच फिर डबल बॉन्ड, सी एच और आपका ओ, ठीक है। तो ये क्या है ये आपको बताना है, क्या फ्यूरान है ये, या आपका थायोफीन है, या आपका पेरिडीन है, या आपका पायरोल है, इनमें से कोई एक आपका ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आपको ये मिल जाए सी सिंगल बॉन्ड सी एच, इधर एच डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, और अगर यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल जाए तो इसे फ्यूरान कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्यूरान कहते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये क्या आपका? एक फ्यूरान है, ठीक है। क्या है आपका? फ्यूरान है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है, पैरासीटामोल का उपयोग कब किया जाता है? पेन किलर के रूप में किया जाता है, या कह रहा है आपका फीवर होने पर किया जाता है, या बोथ, या NOT, ठीक है, नन, ठीक है। तो फीवर होने पर, या पेन किलर के रूप में,
या दोनों, ठीक है? तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, तो वो आपको बताना है कि जो पैरासीटामोल आपका ड्रग है या दवाई है, मेडिसिन है, वो इनमें से किस रूप में और कब उपयोग किया जाता है, ठीक है? चलिए आंसर कीजिए। तो पैरासीटामोल को हम पेन किलर के रूप में भी ले सकते हैं और फीवर के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है? तो सी आपका हो जाएगा बोथ वाला, ठीक है? कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फीवर होने पर भी हम पैरासीटामोल का यूज करते हैं और पेन किलर के रूप में भी हम पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, ठीक है? जैसे बॉडी में थोड़ा हल्का फुल्का पेन है, सर दर्द है या बदन दर्द है, तो हम इसको पैरासीटामोल को ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न सल्फा औषधियों में से, ठीक है, सल्फा औषधियों में से कौन सी लेप्रोसी के उपचार में प्रयोग की जाती है, ठीक है? तो लेप्रोसी के उपचार में कौन सी यूज में लाई जाती है वो आपको बताना है। क्या आपका सल्फा एडोक्साइन होता है, या आपका सल्फा ग्वानिडीन होता है, या आपका सल्फा डाइजीन होता है, या आपका सल्फा थाइजोल होता है, ठीक है? सल्फा थाइजोल निम्न में से कौन सा है जो आपका लेप्रोसी के उपचार में काम में लाई जाती है, ठीक है? ये क्या है, आपकी सभी मेडिसिन्स है या आपकी ड्रग्स हैं, ठीक है? तो आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फा सल्फाडॉक्साइन क्या है, आपका एक प्रकार की ऐसी ड्रग है या मेडिसिन है जो लेप्रोसी के यूज में, लेप्रोसी के उपचार में काम में आती है, ठीक है? कौन सी आपकी, सल्फाडॉक्साइन, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ज्वर में शरीर का ताप कम करने वाली, ठीक है, क्या करना है, शरीर का ताप कम करना है, तो कौन सी औषधि कहलाती है, ठीक है? ऐसी कौन सी औषधि है इनमें से जो शरीर का ताप कम कर दे, तो क्या इसे एनल्जेसिक्स कहते हैं, या इसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, या आपका जर्मसाइड्स कहते हैं, या NOT, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है? तो जो एनल्जेसिक्स होती है वो आपकी दर्द निवारक होती है, ठीक है? क्या होती है, आपकी दर्द निवारक होती है, इनका कोई फर्क नहीं है, ठीक है? जर्मसाइड जो आपकी कैसी होती है, परजीवों के रूप में काम करती है, ठीक है? बचा क्या आपका, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, एक प्रकार की ज्वरनाशी होती है, ठीक है? क्या होती है, ज्वर ज्वरनाशी, तो यही क्या करती है, शरीर का ताप जो है कम कर देती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, शरीर का ताप कम करने वाली औषधि है, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके लगभग लगभग 45 के आसपास हो चुके हैं और यूनिट हमने 1 से लेकर 4 तक कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यूनिट 5th से 8th तक, ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एक दो बार देख लेना जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, अगले जो बचे हुए आपके क्वेश्चन है लगभग 40 या 45 के आसपास ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लगभग 80 to 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें।